पिछले क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ऐसे चलता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब चीज के बारे में हम पढ़े हुए थे और ग्राफ्स भी देखे हुए थे ना। ग्राफ हम लोगों को मिला हुआ था, कैसा ग्राफ मिला था जी? ये डिस्प्लेसमेंट का मिला था, ये आपको वेलोसिटी का मिला हुआ था, और ये मिला था एक्सेलरेशन का। यहां से हम लोग देख लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का था, ये वेलोसिटी का था और ये एक्सेलरेशन का था। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को ये भी आया था, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा कांस्टेंट है तो ए वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसके अपोजिट है। तो दोनों क्या अपोजिट फेज में है? तो अपोजिट फेज में जब रहता है तो फेज डिफरेंस कितने का होता है? 180 डिग्री का, या फिर उसके पाई के मल्टीपल का, है ना, ऑड मल्टीपल। तो हम लोग लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री, ठीक है। विस्थापन और त्वरण के बीच फेज डिफरेंस कितने का है? 180 डिग्री का, पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे, है ना, कल देखे हुए थे। अच्छा, इसमें लीड कौन करता है? एक्सेलरेशन लीड करता है, और लेग कौन करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन लीड द डिस्प्लेसमेंट बाय 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी जो है और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितने का है? 90 डिग्री का। तो लिख लेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज कितना जी? 90 डिग्री। लीड कौन करेगा इसमें? वेलोसिटी लीड करेगा। वेलोसिटी लीड द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए कि अगर कोई बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दिखाता है, शो करता है, है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसके पास दो प्रकार की एनर्जी होंगे। एक तो उसका पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा उसका काइनेटिक एनर्जी।
एक चीज देखिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्राफ हम वो देखे थे ये ऐसे था ठीक है, किस कारण से था, ये वाई एक्सिस पे ये क्या कर रहा था, ऑस्किलेट कर रहा था ऐसे 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 ऐसे, ये कैसे ऑस्किलेट, वाई एक्सिस पे ऑस्किलेशन किस कारण से था, तो ये ऑब्जेक्ट जो था ये मास जो था ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और इसके सर्कुलेट करने के कारण वाई एक्सिस पे बॉडी जो है ऑस्किलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे, मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे, ठीक है। तो ऑस्किलेशन किसके कारण हो रहा है, ऑस्किलेशन जो हो रहा है किसके कारण से हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण से। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपका कितना है, माइनस के वाई। ये माइनस साइन हम क्यों लगाए हैं, माइनस साइन हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमेशा ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट रहता है, हमेशा ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट रहता है। लेकिन अगर हम इसका तुलना करें किसी अदर फोर्स से जो कि ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो वहां पर हम ये साइन यूज नहीं करेंगे। जैसे ये के वाई इस मोशन में कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर कौन है इसका, वाई है, तो वाई ना है ओमेगा आर इसका, तो यहां पे आपका सीधे क्या हो जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स इसका एम ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर हम क्या लिखेंगे, के वाई, क्योंकि यही ना प्रोवाइड करा रहा है, वाई वाई क्या कर देंगे, काट देंगे, वाई और वाई को क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के बाई एम, इसका यूज है आगे वो देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये तो इतना तो क्लियर हो गया, बॉडी जो है एसएचएम प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास निश्चित रूप से दो तरह का एनर्जी होगा, पहला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पहला देखते हैं हम लोग सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पीछे का कुछ चैप्टर नहीं पढ़े, नहीं ध्यान दिए, सोचेगा चलो अगला चैप्टर में ध्यान देंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये पिछले वाले चैप्टर से रिलेट किया है कि नहीं, यस सर। आगे भी देखेंगे हम लोग, जैसे अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग वर्क एनर्जी पावर से रिलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी समय किसी किसी टाइम पे निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, है ना, तो छोटा छोटा अगर वर्क डन हो रहा है उसको डी डब्ल्यू करेंगे, वर्क डन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो छोटा छोटा अगर वर्क डन हो रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, डी डब्ल्यू, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे समाकलन द्वारा, उसको समाकलित करेंगे तो हमको कंप्लीट वर्क डन मिल जाएगा, और वर्क डन का जो निगेटिव होगा वो हमको किसके बराबर मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर में, ये हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हुए थे, तो वही से हम लोग आते हैं, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब डी डब्ल्यू, अच्छा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी एस, एफ डी एस कॉस थीटा होता है ना, एफ डी एस कॉस थीटा होता है, लेकिन जिधर फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो चलिए वहां पे हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को वन कर लेते हैं, क्योंकि एफ और डी एस के बीच में एंगल जीरो डिग्री होता है, तो हम इस चीज का इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, है ना, तो यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू के जगह पे क्या डालेंगे, एफ डी एस डी एस, अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी एस जो है, डिस्प्लेसमेंट मीन एक्सिस से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है,
ये y के टर्म में है, y के टर्म में है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस एफ dy। अच्छा ये जो फोर्स है जिसके कारण हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, जिसके कारण वर्क डन हो रहा है, बॉडी के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, वह कौन सा फोर्स होगा? रीस्टोरिंग फोर्स होगा, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हम लोग माइनस के वाई देखें, है ना, तो उसके वैल्यू को हम लोग डाल देंगे, इट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के वाई डी वाई। ठीक है, माइनस के को बाहर करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, तो u इज इक्वल टू प्लस के बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dy। कोई दिक्कत? x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो यहां पर भी देखिए y टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है, तो कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो u इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, वन बाई टू के वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोगों को मिला। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, तो देखिए हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो u इज इक्वल टू वन बाई टू k का वैल्यू देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां पे देखिए तो m ओमेगा स्क्वायर बराबर k बराबर m ओमेगा स्क्वायर है, यूज कर सकते हैं हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए साइन वाई है ना, तो वाई का स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं वी y का SHM का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम का क्या करेंगे, यहां पर डाल देंगे, चलिए डालिए, नाउ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे क्या डाल देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, ये आपका हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u मैक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम का होता है 90 डिग्री का होता है, तो 1 बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा ना, तो यू मैक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम का वैल्यू निकालते हैं, यू मिनिमम कब मिलेगा हमको, जब साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो, तो वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर जीरो डिग्री, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो, और जीरो में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो जीरो मिलेगा, तो यू मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिल गया। ठीक है,
इसको नोट कीजिए, तब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों को मिल गया कुछ इक्वेशन, जैसे यू इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यू इज इक्वल टू 1/2 k y स्क्वायर, यू इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हम लोगों को वैल्यू मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसको मिटा दें, यस हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है एनर्जी हम देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मूव करने लगता है उसके पास वेलोसिटी आने लग, वेलोसिटी होता है ठीक है, और मास रहता है, तो उसका उसके पास क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा होता है। और हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे जैसे वेलोसिटी का SHM में वेलोसिटी का इक्वेशन देखे हुए हैं हम लोग, है ना। वी इज इक्वल टू क्या होता है, इन एस एच एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, यस। तो काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अच्छा v का वैल्यू हम लोग y के रिस्पेक्ट में भी निकाले हुए थे, है ना। v इज इक्वल टू और एक देखे हुए थे ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर देखे हुए थे, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए तो अब वी स्क्वायर का वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी में डालेंगे तो के ई इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। नोट कीजिए काइनेटिक एनर्जी का। तो यहां पर लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अभी इसी से देखते हैं ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को कब मिलेगा, के ई मैक्स हम लोगों को कब मिलेगा, जब 1/2 फॉर्मूला क्या लगी, तो 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जीरो डिग्री होना चाहिए ओमेगा टी का वैल्यू, मतलब कॉस टी का वैल्यू वन कब होता है, या तो जीरो हो या फिर 180 पे माइनस वन हो जाता है। अभी क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए प्लस वन का लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो डिग्री। तो मैक्सिमम के ई मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2
एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, तो के ई मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सुनो कि इसको टोटल एनर्जी देखते हैं, है ना, चलिए टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट कर देते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम ई इक्वल टू के ई प्लस यू, ई इज इक्वल टू के ई का वैल्यू कितना है देखिए तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ई इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन कर लिए तो बच क्या गया कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों को आगे पीछे कोई भी लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर ये ओमेगा टी क्या मान लेते हैं थीटा है, थीटा ये भी क्या है थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ई इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नो सर, तो ये हो गया आपको टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्राफ टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जीरो का ले लेते हैं और ये ले लेते हैं हम लोग 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कितना ई, ई के बराबर है। चलिए तो हम लोग यहां पे ले लेते हैं ये जीरो डिग्री, ये क्या ले लेते हैं हम लोग जीरो डिग्री, ठीक है, मीन पोजीशन। इधर ले लेते हैं हम लोग क्या ऐसे देख लेते हैं हम लोग, हम लोग इसका वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कहां कहां निकाले, मैक्सिमम हमको किस पे मिला जीरो डिग्री पे, मिनिमम कितने पे मिला 90 डिग्री पे, डिग्री पे है ना। टाइम पे देख लेते हैं, यहां पे हम लोग टी इज इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू क्या लेते हैं जीरो ले लेते हैं, इसके जस्ट पहले हम वो ले लेते हैं यहां पे टी इज इक्वल टू 3t/4 और इधर ले लेते हैं टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, 90 डिग्री, मतलब यहां पे देखिए जीरो डिग्री 90 डिग्री 270 डिग्री,
वो लिख कर यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू t बाई फोर, t इज इक्वल टू t बाई टू, और यहाँ पे t इज इक्वल टू थ्री टी बाई फोर। तो ये तीनों को हम लोग ग्राफ पे ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी U हमको मैक्सिमम कब मिला है? U इक्वल टू, U का फॉर्मूला कितना है? 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। तो sin का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो हमको मैक्सिमम मिलेगा कितना? m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मिलेगा। m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर का ये है, ये हमको पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा कब मिल रहा है? 90 डिग्री पे। मतलब ये लाइन इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा तो हम लोग इसको मिलाते हैं और 0 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यस सर, सबसे मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये मिल रहा है, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा हमको? यू बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिला। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 270 डिग्री पे कितना है? 0 है। 90 डिग्री पे कितना है? 0 है। लेकिन 0 डिग्री पे कितना है? मैक्सिमम है। देखिए कुपिंग में भी लिखवा है। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम, तो ये ग्राफ कैसे चला जाएगा? ये आया, ये आपको कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ मिल गया। ये वाला किसका है? टोटल एनर्जी। ये कभी चेंज हो रहा है? ये हमेशा रिमेंस कांस्टेंट होगा। ये जितना घटेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, ये यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राफ। हेडिंग दे दीजिएगा तब इसको लिखिएगा, ग्राफ बिटवीन यू के ई एंड ई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। और तब ये लिखने के बाद तब ये ग्राफ बनाएंगे और तीनों लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा ग्राफ देखते हैं मतलब अलग अलग एंगल पे, ठीक है। अब इसीलिए स्पष्ट हो गया कि हम लोगों को मैक्सिमम कब मिलेगा और मिनिमम कब मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सामने यहां पे हम लोगों को मिलेगा 0 और यहां पे मिलेगा 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए टोटल एनर्जी, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। एंगल अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये कितना हो गया 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, फिर इसमें हम लोग 90 जोड़ते हैं, ये हो गया 450 डिग्री, ये हो गया 540 डिग्री, ठीक है, सब पे हम लोग देखते जाते हैं वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग येलो कलर से देख ले रहे है ना, तो 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू 0, यू का वैल्यू कितना है, यू इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कितने पे होता है, 0 पे, 0 डिग्री, 180 डिग्री है ना, उसके बाद 360 डिग्री, 540 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा मिनिमम 0 मिलेगा हमको, 540 डिग्री, ठीक है। और एंड 90 डिग्री 270 450, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा मैक्सिमम, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो देख लेते हैं मैक्सिमम हमको कितना मिल सकता है, देखिए 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैक्सिमम का देखते हैं, मैक्सिमम 90 डिग्री पे है यहाँ पे है, फिर मैक्सिमम 270 डिग्री पे है यहाँ पे है, फिर मैक्सिमम 450 पे है यहाँ पे है, ठीक है। मिनिमम कहाँ पे है, 0 पे है, 180 पे है, 360, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम रेड पेन का यूज करते हैं, के ई इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका मैक्सिमम कब, मैक्सिमम कब मिलेगा, 0 डिग्री पे मिलेगा, 180 डिग्री पे मिलेगा, 360 पे मिलेगा, 540 पे मिलेगा, और मिनिमम कब मिलेगा 90 270 450, ठीक है। देखते हैं तो मैक्सिमम हम लोग का यही मिल सकता है ना, तो मैक्सिमम 0 पे मिला, 180 पे मिला, 360 पे मिला, 540 पे मिला, मिनिमम तो ये हो जाएगा रेड वाला हो जाएगा आपको काइनेटिक एनर्जी, और येलो वाला हो जाएगा आपको यू, यू नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का एनर्जी एसएचएम में एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना,
डिफरेंशियल इक्वेशन इन एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अवकलज का समीकरण जो है हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों देखेंगे हम लोग, एस एच एम का भी देखेंगे। अच्छा एस एच एम में जब वो ऑस्किलेट कर रहा है सिंपल फोर्स के कारण तब देखेंगे, और टॉर्क के कारण हो रहा है मतलब ट्विस्ट होने के कारण उसमें हो रहा है उसके कारण भी देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो देखे हुए हैं ए जो है एक्सेलरेशन, एस एच एम का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस वाई, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, कोई दिक्कत। अच्छा लीनियर इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन जो लीनियर मोशन था उसमें पढ़े होंगे ट्रांसलेटरी मोशन में, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर ए, मतलब ऐसे भी बराबर क्या होता था डी एक्स बाई डी टी, ए बराबर क्या होता था डी वी बाई डी टी, भी बराबर कितना डी एक्स बाई डी टी है, तो डी वी के जगह पे डी एक्स बाई डी टी बटा डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता था। तो यहां पर भी हम लोग एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है, तो यहां पर भी हम लोग वाई के टर्म में एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जब ये माइनस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द अच्छा एक चीज देखिए, अगर बॉडी में ऑस्किलेशन जो है ना वो ट्विस्टिंग को ट्विस्ट करने के कारण, बॉडी को ट्विस्ट करने के कारण हो रहा हो है ना, जैसे आप क्या क्या करते हैं हम लोग एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको ऐसे मोड़ते हैं और मोड़ के छोड़ते हैं, तो फिर जैसे आप ऐसे समझिए मार्केट में जाते हैं चीनी खरीदने या आटा खरीदने या सब, तो कैरी बैग जो देता है तो याद कीजिए कभी बचपन में ले आते थे झुलाते हुए उसको ऐसे रस नचाते थे, वो नचाते जाते थे बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाता था, उसको जैसे छोड़ते थे वो फिर क्या करता था अपोजिट डायरेक्शन में नचने लगता था, और नचते नचते क्या हो जाता था अपना मोशन को कंटिन्यू करता था, नहीं फटता नहीं तो मजबूत रहता है ना, और वो अपोजिट साइड में भी बहुत ज्यादा लपेट आ जाता था, फिर उसके बाद फिर खुलना स्टार्ट हो जाता था, तो रेगुलरली वो क्या कर रहा है अपने मोशन को कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं है ना, मोशन को कंटिन्यू करने के बाद वो क्या कर रहा है एक मेन पोजीशन से रेगुलरली ऑसिलेट कर रहा है, यस सर। तो वहां पे किसके कारण हो रहा है, ट्विस्टिंग के कारण हो रहा है, मोड़ने के कारण हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि ऑसिलेशन जो है वो ट्विस्ट करने के कारण, बॉडी को ट्विस्ट करने के कारण हो रहा है, तो वैसे स्थिति में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इफ ऑस्किलेशन इन बॉडी इज ड्यू टू ऑस्किलेशन इन बॉडी इज
ड्यू टू किसके कारण? ट्विस्टिंग अपोजिट, ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी टेल, ट्विस्ट करने के कारण हो रहा है। तो उस समय हमारा ये जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके हो जाएगा? थीटा के, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बन जाएगा, मतलब कि वाई सिमिलर टू किसके हो जाएगा? थीटा के। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी थीटा। हियर सी बराबर क्या जाता है? ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग कोफिशिएंट क्या हो जाता है? ट्विस्टिंग कोफिशिएंट। और थीटा क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है? बस यही रहेगा, फॉर्म यही रहेगा। यहाँ पे y के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? थीटा यूज करेंगे। y की जगह पे क्या यूज करेंगे? थीटा। तो d 2 y की जगह पे क्या? थीटा बाय d t स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। y की जगह पे थीटा बराबर जीरो, बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें हम चाहेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को और चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी तरीके से यहां से भी एम डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो ये आपको एस एच एम का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है ना। देखिए इसमें एक और टर्म आ सकता है, आप ऐसे कर देंगे दोनों तरफ, जैसे यहां पे है ना, इसी इक्वेशन से हम देख लेते हैं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y है। दोनों तरफ अगर हम लोग m से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या रहेगा? m डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। अच्छा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या देखे हम लोग? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या देखे थे? k बाई m देखे थे। तो इसका वैल्यू हम यहां पे डालते हैं, तो एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एम के बाई एम वाई, एम से एम कट गया, ये माइनस के वाई इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक और इक्वेशन आपके पास क्या हो गया? एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन एसएचएम। एसएचएम में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
तो चलिए पहले एक चीज देखिए यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, ये हम लोग जानते हैं ठीक है, एंड अभी पढ़े हम लोग ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं एम से, ये क्या हो जाएगा एम ए बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, एम ए बराबर क्या होता है क्योंकि एफ बराबर एम ए, तो ये हो जाएगा एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ये इक्वेशन थ्री थ्री, इक्वेशन वन और थ्री में देखिए तो एलएचएस बराबर है, यस सर, तो आरएचएस बराबर कर देंगे फ्रॉम वन एंड थ्री माइनस के वाई बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इसका तो क्या हो जाएगा के वाई 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 एम, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर के वाई एम, इसके पहले भी निकाले हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू, जहां पे न्यू क्या है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या है यही निकालना है हम लोगों को फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू पाई ओमेगा, हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू वन बाई टू पाई ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे रूट अंडर के बाई एम। अच्छा एक चीज देखिए, अगर स्प्रिंग कोई स्प्रिंग अगर ऑस्किलेट कर रहा है तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फैक्टर किसके कारण होता है के कारण, और एम जो है मास के कारण किसी बॉडी में इनर्शिया पाया जाता है जड़त्व, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू वन बाई टू पाई रूट अंडर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्प्रिंग फैक्टर, और एम इक्वल टू क्या हो जाएगा इनर्शियल फैक्टर, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी का हो गया। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाता है वन बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई फ्रीक्वेंसी, है ना, पहले इसको नोट कर लीजिए ना, हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है वन बाई न्यू, क्योंकि न्यू इक्वल टू वन बाई टी होता है, तो टी इज इक्वल टू वन बाई न्यू, इसका न्यू का वैल्यू इतना है तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे वन बाई न्यू है तो कितना हो जाएगा वन बाई टू पाई का क्या हो जाएगा टू पाई बाई वन रूट अंडर एम को ऊपर ले जाएंगे बटा के, मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पाई रूट अंडर एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इनर्शियल फैक्टर है, mm-hmm.
बटा के कितना हो जाएगा स्प्रिंग फैक्टर, इसका तो हम लोगों को मिल गया वैल्यू, क्या इसके अलावा भी कोई वैल्यू हो सकता है तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। k का वैल्यू कितना हो जाता है, k इज इक्वल टू, अरे देखिए f इज इक्वल टू ky, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f by y नहीं हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मास बटा k की जगह से क्या लिखेंगे हम लोग फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर मास की जगह पे एम, ये डिस्प्लेसमेंट बटा में है ये ऊपर चला जाएगा वाई बटा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है एम ए होता है एम ए एम से एम कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर वाई बाई ए भी हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बराबर 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बटा एक्सेलरेशन, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का। उसी तरीके से हम इसको भी न्यू को भी कर सकते हैं ना, न्यू इज इक्वल टू 2 पाई के जगह क्या दे 1 बाई 2 पाई रूट अंडर ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा एक्सेलरेशन बटा डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अब हम लोगों को पढ़ना है सिंपल पेंडुलम ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का हम लोग देखेंगे, उसका टाइम पीरियड देखेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे है ना, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसका एनर्जी जो भी पॉसिबल हो सकता है उसका है ना एनर्जी देखेंगे, उसका स्प्रिंग पेंडुलम देखेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम का फिर देखेंगे हम लोग टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एनर्जी है ना, फिर जब स्प्रिंग पेंडुलम आएगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी देखेंगे है ना, तो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके बाद कुछ अलग अलग टाइप के हम लोग पेंडुलम देखेंगे, तब ऑस्किलेशन में हम लोग आएंगे कि आपका सिंपल ऑस्किलेशन का क्या हो गया, फोर्स ऑस्किलेशन क्या हो जाएगा, डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या हो जाएगा है ना, इन सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।